आपको इसमें कि सिकल सेल एनीमिया बता रहे हम आपको। इसमें एक बात तो तुम लोग समझ गई हो कि एनीमिया मैंने आरबीसी की कमी होना, इसको एनीमिया, आरबीसी कम है एनीमिया होगा। और इसमें आपको आरबीसी कम इसलिए हो जाता है कि ये सिक्यूर स्टेट में आरबीसी बदल जाता है, यूजलेस आरबीसी हो जाता है। हम लोग में आरबीसी का यूज तभी तक है जब तक वो बाई कनकेव में है, तो ये यूज होता है। और जब ये सिक्किल में बदल जाएगा तो इसका मतलब ये यूजलेस हो गया जी, ठीक है। ये आपको एक काम करना है, ये कचरा के तौर पे देखा जाएगा जी, ठीक है। सिक्किल स्टेप हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यूजलेस आरबीसी में आपको बदल जाता है जी। ये बात आपको याद रखिएगा, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें क्रोमोजोम नंबर कितना है, 11 है या 16, क्रोमोजोम नंबर 11 पे ना, फाउंड ऑन क्रोमोजोम नंबर, फाउंड ऑन क्रोमोजोम नंबर 11, क्रोमोजोम नंबर 11 पे इसका जीन पाया जाता है। ये भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आएगा है ना, रिसेसिव डिसऑर्डर में इसको हम लोग रखते हैं। इसमें भी वही एक बात कर लेंगे कि जब कोई बच्चे को और सिकल सेल एनीमिया हो, इसके लिए कम से कम मम्मी पापा को हेटरोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी है। और हमने कहा था कि कोई आदमी नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए एनसीईआरटी बुक ने ये सिंबल इस्तेमाल किया है, HbA और HbA। इसका मतलब तुम नॉर्मल एलील मानोगे इसको, है ना जी, नॉर्मल नॉर्मल एलील इसको हम लोग नाम देंगे जी। किसी को है ना कैरियर है, कैरियर मतलब हिट्रोजाइगस है वो, तो उसके लिए हम लोग HbA HbS देंगे जी। हालांकि मेरे नजर से देखोगे ना यही सिकल सेल पेशेंट है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कैरियर है। तुमसे कैरियर या इसको तुम नॉर्मल मान के चलोगे सब आदमी। सिकल सेल पेशेंट किसे होंगे कहेंगे, सिकल सेल है ना आपको पीड़ित कौन होगा, आपको सिकल सेल इन्फेक्टेड, उसके लिए आप कैपिटल सॉरी स्मॉल एस सॉरी HbS और HbS मानेंगे। ये डिजीज काउजिंग होगा जी, ठीक है। ये तीन तरह का केस होगा, इसी पे तुमको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे देता है। ये मेल है जिसका जीन आपको HbA और HbS है, एक फीमेल है जिसमें HbS और HbSC है, तो कितने बच्चे इसके सिकल सेल पेशेंट बनेंगे। तो आप जिसमें ए जाएगा ना सर तो वो नॉर्मल रहेगा जी, है ना जी, HbA जाएगा जिसके पास वो नॉर्मल रहेगा, और जिसमें आपको HbS जाएगा जी, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, सिकल सेल पेशेंट हो जाएगा। 50% जिसमें बच्चा नॉर्मल रहेगा और 50% बच्चा क्या हो जाएगा, सिकल हो जाएगा जी, ठीक है। नॉर्मल मानोगी इस पर रिसर्च ज्यादा मत करना, नॉर्मल इसको कहेंगे हम लोग सिकल पेशेंट। यहाँ सिकल का सिम्टम्स नहीं मतलब है, सिकल मतलब मौत का कारण बनाने वाला मतलब से यहाँ है। सिकल है ना आपको ये क्या हो जाएगा सर, सिकल सेल इन्फेक्टेड होगा, सिकल है ना आपको सिकल सेल एनीमिया का इन्फेक्टेड होगा जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम बताए थे आप लोगों को, कहता है कि किसको सिकल सेल होता है ना जी, व्हेन आपको लिखा कोई अगर सिकल सेल पेशेंट है, मान लीजिए कोई लड़का ऐसा मिला आपको जिसको HbS और HbS है, तो ये लड़का नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन तब उसके लिए अबनॉर्मल हो जाएगा जब लो ऑक्सीजन टेंशन आएगा, जब वो सांस नहीं, जैसे मान लीजिए बहुत तेज दौड़ रहा है, अब तेज दौड़ने के दौरान उसको सांस लेना चाहिए था लेकिन वो ज्यादा सांस खींच नहीं पा रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ड्यू टू द लो ऑक्सीजन टेंशन हीमोग्लोबिन है ना आरबीसी के सेपे को चेंज कर देता है, ठीक है जी। HbS वाला जो पेशेंट होगा है ना जी, ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन है ना जी, ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन है ना, नॉर्मल आरबीसी क्या होगा, इसमें चेंज हो जाता है जी, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी चेंज इनटू है ना, ये सिक्यूल शेप में ये चेंज कर जाता है जी, है ना जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझा चुके हैं कि आपको सिक्यूल सेल पेशेंट का आरबीसी भी नॉर्मल रहता है, लेकिन ये आरबीसी सिक्यूल सेल में बदल जाता है ड्यूटिंग द लो ऑक्सीजन टेंशन के वजह से, ठीक है। और दिस सिकल सेल आरबीसी सिकल सेल आरबीसी क्या होता है, ये आपको डिपोजिट होने लगता है, डिपोजिट हो जाता है या जाम ला देता है, डिपोजिट इन ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में क्या लाता है, ये आपको जाम सब लेके आता है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये आपको सिकल सेल आरबीसी जो देखते हैं, ये डिपोजिट इन ब्लड वेसल एंड काउज एग्रीगेशन है ना, ये आपको जाम लाता है, एग्रीगेशन लाता है वही जब आवरा ठीक हुआ इस तरह से, इसके वजह से उस इंसान के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होता है विच काउज
विच कॉज इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन हुआ ना, ये कोई पर्सन है, इस पर्सन में हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्लड पाइप है, ये मान लो ब्लड पाइप है, एक पेन चेंज करते हैं, कोई पर्सन हुआ ये, और उस पर्सन को क्या सर, ये ब्लड पाइप है, तो सर आरबीसी सिक्यूल सेफ होने वजह से ये ब्लड इसी में फंस जाएगा जी, इसी के अंदर में क्या होगा, जमा हो जाएगा जी, ऐसे समझो ना, ये पाइप होगा ना तो आराम से सब कुछ जा सकता है, पर ये हुक टॉप पे रहेगा तो हुक क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा ना, ये हुक लगा के इसको कैपिलरी को जाम कर सकता है, खून का जो पाइप होगा, मान लीजिए ये खून का पाइप है तो सिक्यूल जो देखते हैं वो इसको ब्लॉक कर देगा जी, ये इस तरह से इसको क्या कर देगा, ब्लॉक करके इसको जाम कर देगा जी, ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जाम कर देता है जी, ठीक है। इस वजह से जो नॉर्मल आरबीसी जा नहीं पाएगा, जाम हो जाने से ये इसको फाड़ करके, ब्लड के पाइप को फाड़ करके इधर से निकलना शुरू कर देगा जी, ठीक है। जब ऐसा केस होगा तो इंसान की या तो मौत हो जाती है, यानी तो डॉक्टर्स को बहुत आपको है ना, मतलब एंटीकोगुलेंट्स और डाल डाल के इसको चेक, मतलब किसी तरह से बचाता है जी, लाइफ थ्रेटिंग होता है, ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता है, पैनिक हो नहीं सकता है, रो नहीं सकता ज्यादा, ठीक है, ज्यादा रोने से या पैनिक होने से या है ना, कभी आपको ज्यादा सीढ़ी वगैरह चढ़ने से इसको इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मतलब उसका हाथ ऐसे झटकेगा ना, पूरा इस सब पूरा लाल हो जाएगा जी, ठीक है, अंदर का खून सब पाइप फट सकता है जी, ठीक है, इवन आंख में आपको, आंख से भी आपको खून वगैरह सब निकल सकता है जी, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से या सॉरी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। तो ये भी एक है ना एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है, इस पेशेंट को ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता फिर भी, लेकिन किसी हद तक इसको ले जाया जा सकता है, लेकिन हम बार बार बोले ये वाला केस में बच्चा सब टिकता है, ये वाला केस में तो बच्चा माए के गर्भ में मर जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़ाया आपको, एनसीईआरटी पढ़ा दिया कि आपको ये सिक्यू सेल पेशेंट है, ये नॉर्मल है, तो आप लोग इसमें ज्यादा माथा नहीं लगाओगे, सीधे नॉर्मल मान के चलोगे जी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या उठता है कि सर सिक्यू सेल पेशेंट जो है ना, इसमें आपको आरबीसी की कमी हो जाती है जी, ठीक है, डिक्रीज इन आरबीसी नंबर, ये भी पूछेगा, आरबीसी का नंबर भी घटता है, एंड आपको शेप भी आपको चेंज हो जाता है, शेप ऑल्सो चेंज कर जाता है, ये दो बातें देखने को मिलता है जी, आरबीसी खत्म भी हो रहा है और ये चेंज भी हो रहा है जी, ठीक है। और ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि है ना ड्यू टू क्वालिटेटिव, याद कीजिए क्वालिटेटिव, मैंने आपको अच्छा चीज नहीं मिला, मान लीजिए हम इसको समझाए हुए भी है, क्वालिटी मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं कि एक 30 रुपए का कोई प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उसी प्रोडक्ट को है ना फिर से खरीदने के लिए, मतलब खत्म हो जाने के बाद फिर 30 रुपए ही लगाई, लेकिन वो प्रोडक्ट में वो बात नहीं रहा, मतलब उसमें कुछ सामान की कमी कर दिया सर, कुछ कंटेंट को उसको हटा लिया जी, इसका मतलब क्वालिटी में कुछ कमी आना, ड्यू टू क्वालिटी है ना, ड्यू टू द क्वालिटेटिव डिफेक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑफ है ना हीमोग्लोबिन है ना, आपको बीटा चेन में कमी हो जाने से, अल्फा चेन को कोई दिक्कत नहीं है, बीटा चेन में क्वालिटी में कमी आ जाता है सर, क्वालिटी आप देखिए, इसके लिए आपको फिर से आपको एक हीमोग्लोबिन सब समझना होगा, हीमोग्लोबिन आपको हम बताए हुए दो चीज से मिलकर बना है, एक है ग्लोबुलिन और एक है सर हीम पार्ट में आयरन और क्या पाया जाता है जी, ठीक है, आयरन और प्रोफायरिन पाया जाता है, इसमें आपको आयरन Fe2+ एंड प्रोफायरिन रिंग पाया जाता है जी, ठीक है, और ग्लोबुलिन में 4 पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, 4 सब यूनिट प्रोटीन पाया जाता है जी, सब यूनिट प्रोटीन मतलब एक दूसरे का विकल्प के तौर पे, एक यूनिट होगा तो दूसरा यूनिट उसका विकल्प होगा जी, सब यूनिट है ना आपको प्रोटीन पाया जाता है जी, ठीक है, उसमें आप दो अल्फा प्रोटीन याद की हुई हो और दो बीटा याद की हुई हो, कोई लड़की इसको छिड़का छिड़ा के लिखेगी तो अल्फा अल्फा डैश लिख सकती है और बीटा डैश लिख सकती है जी, फर्क नहीं पड़ता इससे, दोनों में एक ही तरह का नंबर, मतलब इसका जो देखेंगे इसका कितना होता है जी, 1 है ना आपको 46 है ना जी, 146 एमाइनो एसिड होता है इसमें, सही जा रहा है जी ना, आइए 141 होता है जी, ठीक है, दोनों को जोड़े तो 774 आना चाहिए, सॉरी 574 नहीं कितना होगा जी, 140 एक होता है 143 एमाइनो एसिड, देखो तो जी सही जा रहे थे
है कि नहीं जी मेहनाज, देखो ना उसमें लिखे एक बार 146 141 सही लिख रहा है हीमोग्लोबिन का नंबर, अमीनो एसिड का नंबर। जोड़ के देख ही लेते हैं 146 100 इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 4 4 8 दो, इसको दोनों सुना करें 7 2 14 28 2 56 57। हाँ सही तो है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको कि दो बीटा चेन में कितना होता है 141 141 होता है जी। जोरदार करोगी ना तो 574 एमिनो एसिड आएगा जी। समझ में आ रहा जी साक्षी क्या बोल रहे हैं? इसमें हम लोग जो देखेंगे तो ये दो मॉलिक्यूल का ना होगा, एक मॉलिक्यूल का 146 है तो उसको दो से मल्टीप्लाई करोगी, इसको दो से मल्टीप्लाई करोगी तो टोटल कितना हो जाएगा 574 एमिनो एसिड का बनाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। अगर हम ये कहे कि हम तुमको हीमोग्लोबिन बना के दे रहे हैं 574 एमिनो एसिड का दे रहे हैं लेकिन उसमें कुछ केमिकल अदला बदली कर दे तो तुम इसमें क्या कहोगी? सर क्वांटिटी तो वही रहा पर क्वालिटी में आपने खराब कर दिया, उसमें क्वालिटी में कुछ कमी आ जाना। तो बीटा चेन में 141 एमिनो एसिड रहता है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं नॉर्मल आदमी में भी सर क्या देखते हैं, नॉर्मल पर्सन में भी क्या देखते हैं, क्या हुआ? तो अच्छा अल्फा में 141 होगा, बीटा में 146 होगा जी, ठीक है। नॉर्मल बंदे में बीटा चेन जो देखते हैं है ना, और सिकिल पेशेंट का जो बीटा चेन देखोगी, सिकिल पेशेंट का जो बीटा चेन देखते हैं जी, ठीक है। दोनों में सर क्या देखते हैं, दोनों में आपको 146 एमिनो एसिड इसमें भी है और इसमें भी 146 एमिनो एसिड है, पर इसमें क्या देखते हैं सर, इसमें आपको ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, जिसको सिक्यू सेल होता है सर उसमें वेलिन पाया जाता है, यही डिफरेंस है। मतलब आपको जिसको सिक्यू सेल एनीमिया हो रहेगा तो उसमें एमाइनो एसिड का क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यहाँ वेलिन है यहाँ पे क्या है ग्लूटामिक एसिड है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप लोग से कोई पूछेगा आज के बाद कि सिक्यू सेल एनीमिया किस तरह का बीमारी है, एक क्वालिटेटिव बीमारी है। कल जो पढ़ रहे थे थैलेसीमिया वो एक तरह से क्या था आपको, है ना जी, क्वांटिटेटिव बीमारी था जी, ठीक है। एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। जो कल एक लाइन छोड़ दिए थे ना वो यही बात को बता रहा है कि सिकल सेल में और है ना इसमें क्या डिफरेंस है जी, ठीक है। सिकल सेल और थैलेसीमिया में आपको क्या डिफरेंस है जी, तो इसमें आपको देखते हैं सिकल सेल में हम लोग देखते हैं सर इसमें आपको क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जी, ठीक है, क्वालिटी में कमी। ये 2017 का क्वेश्चन है जी, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जी, ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जी, ठीक है। और आप हमसे इसको कहिएगा ना इसको डील करने के लिए, तो ये एक तरह से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में है, पॉलीट्रॉपिक में है, ये एक अलजेब्रिक प्रोसेस में है, अलजेब्रिक प्रोसेस में है, ठीक है, अलजेब्रिक या कोऑर्डिनेट प्रोसेस क्या कहते हैं उसको, अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक प्रोसेस में आता है, अर्थमेटिक प्रोसेस में आता है जी, ठीक है। ये बस एक मैथ का टर्म है, पॉलीट्रॉपिक में होता है क्या ये सब रिजल्ट सेम आवे मेथड अलग हो जाए तो उसको पॉलीट्रॉपिक कहेंगे, अर्थमेटिक में तो जो जो जितना आता है वही अर्थमेटिक होगा, तो इसमें कुछ कमी हो गया तो अर्थमेटिक में कमी होगा, इसमें क्या होगा पॉलीट्रॉपिक में गड़बड़ी, मतलब कुछ क्वालिटी में कमी आ जाना जी, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी क्या होता है सर, एचबी यानी हीमोग्लोबिन है ना जी, आपको डिफेक्टिव फॉर्म होता है, डिफेक्टिव फॉर्म होता है जी, ठीक है। इसमें लेस फॉर्म होता है, दोनों मंत्र में लेस फॉर्म इसमें दिखाई देगा, कम बनता है, इसमें तो पूरा बनता है लेकिन सर इसमें डिफेक्टिव टाइप का बन जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है। जैसे आप कोई साबुन वगैरह खरीदती हो ना तो आप खरीदी 50 रुपए लगा के कोई साबुन खरीदे मतलब कोई सोप खरीदे तो डब भी मान लीजिए खरीदे तो डब का स्पेलिंग क्या था, डीओवी, हेलो इसका स्पेलिंग क्या था डब का, डीओवी, तो ये जो देखते हैं तो ये मान लीजिए 50 रुपए खरीदते हैं और मान लीजिए यही साबुन को नाम बदल दिया, डीएवी कर दिया जी, ठीक है, ये भी 50 रुपए लिया जी, तो तुम इसको पढ़ के बाद तुम कहो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसमें क्वांटिटी तो सेम है पर क्वालिटी में अंतर हो गया जी, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में ए और ओ का अंतर है जी, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे डिफेक्टिव फॉर्म पैदा लेता है, यहाँ पे लेस वाला पैदा लेता है जी, ठीक है। दोनों में दिक्कत क्या है, इसमें आरबीसी है ना सर आपको है ना, आपको आपको लेस आपको रिस्पॉन्सिबल हो जाता है है ना फॉर कैरिंग, और यहाँ पे भी क्या होता है आरबीसी एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल आरबीसी हो जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछे भाई, वो जो टेस्ट सीरीज सब होता है कि किसमें आरबीसी है ना आपको बाइकनकेव भी बना रह जाता है, तो थैलेसीमिया में बाइकनकेव भी रहता है जी, इसमें आरबीसी का चेंज नहीं होता शेप,
पर इसमें बाई कंसेप्ट थोड़े रहा, ऑब्वियसली अब ये सिक्यूल शेप में अब ये चेंज हो गया जी। इतना बात सब हम आपको बता दी दीजिए, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। सिक्यूल शेप से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, इससे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वही 25% 50% कैसे बनता है वो, और दूसरा इसमें घुस के पूछेगा तो ग्लोबलिन इस सबसे नाम से पूछ सकता है जी, ठीक है। तो देखिए सिकिल सेल एनीमिया की बात करते हैं। सिकिल सेल एनीमिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोजोम नंबर 11 पे होता है। इसका डिस्कवरर का नाम हमको नहीं पता, एक बार देखना होगा आपको इसका। और इसमें जब सिकिल सेल एनीमिया की बात करते हैं सर, तो ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कैरियर अगर पेरेंट होगा तो बच्चे में भी एक बीमारी आने का चांसेस है। HBS का कंडीशन सिकिल सेल का है, HBA का नॉर्मल है या कैरियर का हो सकता है HBAS का, है ना जी। और हमने ये भी कहा था कि सिकिल सेल केस में होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाने से नॉर्मल RBC है ना, बाई कनकेव RBC है ना, सिकिल सेल में चेंज हो जाता है। इसका मतलब जन्म लेता है तो नॉर्मल ही रहता है, पर ज्यादा पैर हाथ फाड़ने से या ज्यादा है ना एक्टिव होने से उसके अंदर में नॉर्मल RBC किस में चेंज हो जाएगा सर, सिकिल में चेंज हो जाएगा जी। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि नॉर्मल RBC जो सिक्यूल सेल में बदल गया, दिस इज कॉल्ड सिक्यूल सेल एनीमिया के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ड्यू टू द लो ऑक्सीजन टेंशन है ना, नॉर्मल RBC चेंज टू सिक्यूल सेल, और एक्चुअली में इससे क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर एग्रीगेशन होने लगता है, ब्लड पाइप में है ना RBC जमा होने लगता है जी, ठीक है। डिक्रीज इन RBC नंबर शेप भी आपको चेंज हो जाता है, और ये ड्यू टू द लिखा आपको एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन द हीमोग्लोबिन बीटा चेन में आपको गड़बड़ी होता है। अब दोनों का दोनों बीटा चेन में भी गड़बड़ी हो तभी माना जा सकता है सिक्यूल सेल, एक में गड़बड़ी होगा तभी भी माना जा सकता है। NCERT पर तो फीलिंग आया कि एक किट में गड़बड़ी होने से होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक वो भी गड़बड़ी हो गया तो गया। इसमें आप आपको हीमोग्लोबिन के बारे में आइडिया दे रहे हैं तुम लोगों को, RBC का जान है ये, RBC का वजूद हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन खराब तो RBC खराब हो जाएगा। तो पॉइंट क्या, हीमोग्लोबिन में दो हिस्सा होता है, एक ग्लोबुलिन होता है एक हीम होता है जी। हीम वाला जो हिस्सा ना आयरन कंटेनिंग प्रोटीन और प्रोफाइलिन रिंग का बना था, इसको भूल जाइए, दूसरा चीज है। हम लोगों को ग्लोबुलिन वाला साइड पे ध्यान देना है, ग्लोबुलिन वाला साइड में दो अल्फा चेन होता है दो बीटा चेन होता है, और दो अल्फा चेन में से एक का पास 141 होता है तो दोनों को मिला के जोड़ देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा चेन में एक के पास 146 होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ डाल देंगे तो 574 एमाइनो एसिड पाया जाता है जी, ठीक है। टोटल हीमोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबुलिन चेन में एक ग्लोबुलिन में कितना पाया जाता है, एक ग्लोबुलिन में 574 एमाइनो एसिड पाया जाता है जी, ठीक है। ये 574 एमाइनो एसिड क्या करता है सर, है ना, ये हीमोग्लोबिन बनाता है जी। लेकिन जिसको सिकिल सेल हो जाएगा तो उसमें सर आपको एक एमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यहाँ भी 146 है देख रहे हैं, यहाँ भी 146 है, पर ये एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर लिया, अदला बदली हो जाता है। इसमें ग्लूटामिक एसिड देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं है ना, वैलिन आ जाता है। जिस आदमी को सिकिल हो जाता है उसमें वैलिन आ जाता है, वही छठा पोजिशन पे छात्र बोल देंगे वो भी, ये सब बात आपको समझा दिए जी, ठीक है। अब इसी का तुम मॉलिकुलर एनालिसिस करो, है ना, एक DNA RNA लेवल पे जब बात करोगी तब क्या होता है सो देखते हैं जी, ठीक है, एक मिनट। देखिए तो हम लोग बात कर रहे हैं है ना मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ, आपको मॉलिक्यूलर है ना एनालिसिस कर रहे हैं है ना ऑफ सिक्यूल सेल एनीमिया का, सिक्यूल सेल एनीमिया के बारे में। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं है ना, इसमें ये देख रहे हैं कि सर नॉर्मल आदमी जो रहता है, नॉर्मल आदमी के पास नॉर्मल DNA होगा ना, DNA क्या होगा इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल DNA फॉर नॉर्मल DNA फॉर बीटा चेन फॉर्मेशन है, बीटा चेन फॉर्मेशन के लिए इसके पास क्या होता है नॉर्मल DNA होता है। और मान लेते हैं इस आदमी से बीटा चेन बनेगा ये, और बीटा चेन में जो देखते हो ना तो एक पहला एमाइनो एसिड, ये दूसरा एमाइनो एसिड, ये तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो छठा एमाइनो एसिड पे क्या होता है ग्लूटामिक एसिड होता है जी, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड होता है जी, ठीक है, नॉर्मल इंसान में। और ग्लूटामिक एसिड बना किससे होगा, mRNA के कोडोन से, mRNA में सर यहाँ पे क्या लिखा होता है, mRNA में यहाँ पे लिखा होता है सर आपको GAG लिखा होता है जी, गैग लिखा रहेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ग्लूटामिक एसिड बनेगा जी, ठीक है। और यहाँ पे DNA में क्या लिखा होगा सर, DNA में यहाँ पे लिखा होगा सर आपको C
और सी लिखा होगा जी, ठीक है। लेकिन जिस आदमी को सिकिल सेल हो जाता है सर, सिकिल सेल हो जाता है, उसका डीएनए में चेंज आ जाता है सर। डीएनए में जो चेंज आता है ना जी, यहाँ पे सी और ये ए में बदल जाता है जी, सी टी सी होता है ना, सी ए सी हो जाता है। तो जो गैग होना चाहिए वो गग में चेंज हो जाता है जी। गग में चेंज होने की वजह से जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था सर, वहां पे आपको क्या आ जाता है सर, आपको ये वेलिन आ जाता है। वेलिन समझा पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो तुमको ये रटना है कि सिक्स नंबर के पोजीशन पे आपको वेलिन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है जी, ठीक है। आपको सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता, मतलब एक गड़बड़ी से उसके लिए मौत का कारण बन रहा है सर, या उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन रहा है। नॉर्मल आदमी के छठा नंबर के पोजीशन पे बीटा चेन में, ये बीटा चेन की बात हो रही है, बीटा चेन में जो छठा नंबर का जो पोजीशन है सर, वहां पे क्या देख रहे हैं, छठा नंबर के पोजीशन पे आपको ग्लूटामिक एसिड होता है। हम लोगों में सब, हम लोग के आदमी इसमें ऐसा होगा, क्योंकि जिसको सिकल सेल हुआ रहेगा तो उसके अंदर में क्या देखते हैं, छठा नंबर पे वेलिन आ जाता है जी। वेलिन नाम का एमाइनो एसिड, अब इसमें भी बहुत आदमी हाथ पैर बना लेता है, न्यूट्रल एमाइनो एसिड आ गया एसिडिक एमाइनो एसिड की जगह पे। ये भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना कि कौन से बीमारी में न्यूट्रल एमाइनो एसिड रिप्लेस कर, सॉरी मतलब एसिडिक एमाइनो एसिड रिप्लेस कर दिया जाता है विद द न्यूट्रल एमाइनो एसिड के साथ, ये इसी केस में देखते हैं। और इसको और जाइएगा तो mRNA में सर जहां गैग था वहां पे गग आ गया। अगर आप डीएनए से आरएनए बनता है तो इस हिसाब से देखोगी तो डीएनए में सीटीसी होता है नॉर्मल आदमी का, यहाँ पे सीएसी हो जाता है, ठीक है। चलो तो एक मिनट देखते हैं कौन कौन है इसमें। हाँ चलो जी, इसमें बताओ तो इसका सदफ 21 तरह का म्यूटेशन है ये, सदफ बताओ तो जी। सुनी जी सदफ, ये किस तरह का म्यूटेशन है ना, मॉलिकुलर म्यूटेशन की बताना है, और कोई नहीं बोलेगा। हेलो सुन रही हो सदफ? यस सर। हाँ बताओ किस तरह, हम पढ़ाएंगे तुमको कि किस तरह का म्यूटेशन है, एक बार याद दिला देते। वो ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन पढ़ी थी कभी हमसे, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्सन है ना, वही आपको सब्स्टिट्यूशन दो तरह का था ना, एक ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन। अगर पीरिन के बदले में पीरिन लाते हैं तो घटना को ट्रांजिशन कहते हैं, या पैरिमिडिन के बदले में पैरिमिडिन लाती हो तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं, और पीरिन के बदले में पैरिमिडिन लाते हैं या वाइस वर्सा करती हो तो उसको ट्रांसवर्सन बोलते हैं। बताओ अब कौन म्यूटेशन है? हाँ तो अच्छा, और तुम लोगों को भी डिफेक्ट हो गया है, हमको समझ नहीं आता है, हर साल यही हो जाता है मेरे यहाँ बच्चा सा अंत में आके भर्सी आ जाता है ना जी। हम लोग में एक देखोगे प्रथा होता है, जैसे कोई पर्व वर्व खत्म हो जाता है ना तो आदमी को जाके मतलब जैसे मतलब भगवान जी से हो जाकर हम लोग नदी में कहीं विसर्जन कर देते हैं। तो तुम लोग भी वही सही टाइप का हो गया, जब नजदीक आ रहा है एग्जाम तो तुम लोग का दिमाग भर्सी आ गया है ना जी। चलो रे और कोई बताओ, ये सब नहीं याद आ रहा तुमको? हाँ ट्रांसवर्सन होगा ना जी, पीरिन देखो यहाँ पे क्या है, ये पायरिमिडिन है ना, अब पायरिमिडिन के जगह पे क्या आ गया जी, पीरिन आ गया ना, इसमें क्या लगाना था लॉजिक, पायरिमिडिन है ये, अब पायरिमिडिन को रिप्लेस कर रही हो किसके साथ, पीरिन के साथ, दिस वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन ना। गया? हेलो सुन रही हो, समझ में आया? यस सर। अरे तू लोग को बुलाना ही पड़ेगा, अब तू लोग कोविड से ज्यादा खतरनाक हो गया, तू लोग हार्ट अटैक दिलवाएगा। 1 अगस्त एग्जाम है, जान रहे ना, किसको भी प्रोटेस्ट करके बंद करवाएगी। तो ये हो गया है ना ट्रांसवर्सन म्यूटेशन, एक पॉइंट कहीं पे लिख लो एनसीईआरटी बुक में, ये किस तरह का म्यूटेशन है सिकल सेल एनीमिया, ट्रांसवर्सन म्यूटेशन है, नहीं पढ़ा था पढ़ा देंगे उसको अब, है ना, ट्रांसवर्सन ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन पढ़े थे ना जी, ट्रांसवर्सन म्यूटेशन में ये गिनती आएगा जी, ठीक है। हो गया सिकल सेल पढ़ा दिए, अब सिकल सेल का तुम अगर नोट्स लाई हो या नोट्स है तुम लोग के पास, ये लास्ट पेज है जी नोट्स का, है ना, लास्ट पेज में ये सब बातें लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये जो पेज सब देख रहे हैं इस सब पेज में ये सब बात लिखा होगा, कौन को किसको सिकल सेल होगा किसको नहीं होगा और क्या एक्चुअली में कारण बनता है। तो आरएनए में गैग के जगह पे गग आ जाता है सर, आरएनए में गैग के जगह पे गग आने की वजह से सर ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम बनता है, ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे ग्लूटामाइन को ग्लूटामिक एसिड में बदल लेना, और ग्लूटामिक एसिड चेंज कर जाता है किसमें, आपको वेलिन में, यही आरबीसी को बर्बाद कर देता है,
ये आप देख रही हो बीटा चेन, ये बीटा चेन में छठा नंबर, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ऐसा कोई लड़की नहीं सुना कि एनसीईआरटी में नहीं है। ग्लूटामिक की जगह पे क्या आ गया, वेलिन आ गया। जो डीएनए लेवल पे बात करेगी तो सीटीसी आदमी के होता है, नॉर्मल आदमी में सीटीसी, तो उस जगह पे क्या आ जाता है, अब सीएजी सीएससी हो जाता है। अब देखना ये सब तुम जो टेस्ट सीरीज सब दोगी ना, ये सब अनअकैडमी का हुआ या ये सब क्या नाम है एलन का, तो उसमें यही सब क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता रहता है कि चलिए हम मानते हैं कि ये आपको एमआरएनए 5 से 3 है, तो डीएनए में कौन सा साइड होगा जिसमें सीएससी लिखा होगा। अब 5 जान रहे तो ये 3 होगा, ये क्या होगा जी 5 होगा, समझा रहा ना। उसके बाद यहाँ भी तो वही बात होगा ना जी, ये 5 होगा ये 3 होगा, तब ना ये 5 3 कर पाओगी, समझा रहा। ये भी कंफ्यूज मत रहना कोई लड़की, इतना ही ये भी लाइन बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो हम भी पूछ लेते हैं, अगर इससे कोई दिक्कत हो यहाँ पे लिखते हैं कोई भी जवाब दे सकते हैं, एक मिनट खाली रुक जाएंगे। एक क्वेश्चन है, विच पेयर ना विच आपको विच कोडोन कोडोन ट्रांसवर्सन विच कोडोन ट्रांसवर्सन ट्रांसवर्सन इन डीएनए डीएनए काउज काउज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखो थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखूंगी तो समझ में आ जाएगा। विच कोडोन ट्रांसवर्सन इन डीएनए काउज है ना, सिकल सेल एनीमिया है ना जी। पहला ऑप्शन है जी आपको 3 से 5 है ना सीएससी, दूसरा ऑप्शन है 5 से 3 सीएससी, और तीसरा ऑप्शन है 3 से 5 अब सीटीसी, और चौथा ऑप्शन है 5 से 3 है ना जी। आपको क्या लिखे इसके लिए, सीटीसी है तो सी सीटीसी, चलो ठीक है। अब बताओ ये तो बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन है जी, है ना, ये ना काउज कर रहा है आपको सिक्किल सेल एनीमिया। विच कोडोन है ना ट्रांसवर्सन इन डीएनए काउज आपको सिक्किल सेल एनीमिया, कौन सा कोडोन में गड़बड़ी होता है या कौन सा कोडोन है जो इंडिकेट करता है, इसको ग्रामर ठीक कर दें, विच कोडोन दैट इंडिकेट है ना सिक्किल सेल एनीमिया है ना डीएनए। ये भी हो सकता है कि कौन सा डीएनए का ऐसा टुकड़ा है जो ये डिसाइड करता है कि उसको पेशेंट को सिक्किल सेल हुआ हुआ है, तो तुम क्या देखोगी, ये यही ये तो क्वेश्चन में तुमको यही दोनों में से आंसर होगा, क्योंकि तुम सबका आरएनए बना के चेक करेगा ना, आरएनए बनाएगा तो इसका क्या होगा 5 से 3 लिखोगे ना आरएनए, आरएनए तो इसका सी सी का उल्टा जी होता है, टी का उल्टा क्या ए हो जाए, इसका जी हो जाए, ये तो होने से नहीं रहा। अगर आप इसका भी आरएनए बनाओगे तो ये 3 होगा ये 5 होगा, उल्टा लिखा हुआ है फिर भी तो लड़की कोई दिमाग है गैग बन रहा है तो इसमें तक नहीं हो रहा है। अब होगा तो आंसर मेरा पहला या दूसरा में ही होगा आंसर मेरा, अब पहला दूसरा में आंसर होगा तो तुमको ये बात रटा होना चाहिए कि एमआरएनए 5 से 3 के डायरेक्शन में होता है जी, एमआरएनए 5 से 3 डायरेक्शन इसमें बैठ जाएगा ना, 3 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 3, तो सी का उल्टा क्या लिख दोगे जी, ए का उल्टा क्या लिख देंगे यू, और सी का उल्टा क्या आ जाएगा जी, जी सही जा रहा ना, हेलो इसका बनाओगी तो सर ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सर आपको यू, ये हो जाएगा सर आपको क्या जी हो जाएगा जी, ठीक है। आगे पीछे कुछ लिख देगा ताकि तुमको कुछ पैटर्न डिफरेंट दिखाई दे, बट इस केस में देख रहे सर ये नहीं होगा, ऐसा वाला केस होगा, कुछ जान रहे हो ना हम क्या बोले, आगे पीछे लिख देगा ताकि तुमको है ना ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बनता रहे, पर तुम चेक करेगा कि 5 से 3 के डायरेक्शन में गग लिखा हुआ है तब समझ जाएंगे सर ये आपको क्या सिक्किल सेल पेशेंट है। लोग जोड़ ही देते हैं ए जोड़ देते हैं, तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपको कुछ और भी बना देगा यू और यू लिख देगा वट एवर, मतलब ये नहीं हो सकता आंसर, आंसर क्या होगा ये वाला होगा, किस तरफ से लेके हम लोग 3 से 5 के डायरेक्शन में लेंगे डीएनए को, डीएनए का डायरेक्शन कितना से कितना तरफ होगा 3 से 5 के डायरेक्शन में। अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है, टेस्ट सीरीज में पूछता है, किसी साल नीट भी आपको दे सकता है ऐसा क्वेश्चन दे करके है ना, पॉइंट्स बना सकता है। हो गया जी टॉपिक खत्म हो गया है एक, अब रह गया क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पढ़ना रह गया जी, ठीक है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस रह जाएगा, एक क्लास के बाद खत्म हो सकता है मे बी, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो तो मतलब एक बार लीव करके ज्वाइन कीजिए, तो बताए थे आपको जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, जेनेटिक डिसऑर्डर ये दो तरह का था, एक था आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक था आपको क्रोमोजोमल एब्रिएशन है ना जी, क्रोमोजोमल क्रोमोजोम की गड़बड़ी से भी हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर, और जीन के डिसऑर्डर से भी हो सकता है आपको ये जेनेटिक डिसऑर्डर,
एक था मेंडेलियन डिसऑर्डर, हम पूरा मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ा दिया आपको, एक भी नहीं छूटा है, एक्स्ट्रा भी बता दिए, एक्स्ट्रा नहीं जाओगी तो एनसीईआरटी जितना लिखा हो वो जरूर पढ़िएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटी देखने जा रहे हैं या एब्रिएशन देखने जा रहे हैं जी। क्रोमोजोम में गड़बड़ी होने से बीमारियां जो आएंगी उसकी बात होगी जी, ठीक है। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर का ही कैटेगरी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो देखते हैं दो वजह से हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाए, है ना। क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटी दो वजह से हो सकता है, या तो स्ट्रक्चरल हो सकता है ना, स्ट्रक्चरल, या नहीं तो सर क्या हो सकता है, नंबर में गड़बड़ी होने से हो सकता है। हम आपको सिखाए हुए भी है कि 46 क्रोमोजोम से एक भी घट गया या बढ़ गया इसका मतलब उसको हम लोग बीमार मानेंगे सर, ठीक है। और क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ गया, सच आज सर आपको क्रोमोजोम एक्स सेफ होना चाहिए था, वो हो गया सर आपको क्रॉस मतलब डब्लू सेफ हो गया, या किसी भी सेफ में चेंज आ गया, स्ट्रक्चर में कोई कमी आ गया या खराबी आ गया या जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्रोमोजोमल एब्रिविएशन की कैटेगरी में रखेंगे। आप लोगों को इसका डिफिनेशन नहीं देना है, डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लैंग्वेज को पकड़ोगी, ठीक है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर में होने वाला गड़बड़ी को बता रहे हैं, ठीक है। नोट्स में ढूंढोगी ना तो नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 15 नंबर पेज नंबर पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये पेज पढ़ा रहे अभी हम आपको, इस पेज को जल्दी ही खत्म कर सकते हैं हम लोग, है ना जी। इसमें आप लोगों को सबसे लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। और स्ट्रक्चर में आपको गड़बड़ी होने से चार तरह का बीमारी या पांच चार तरह का बीमारी हो सकता है। एक है सर डिलीशन, डिलीशन हो सकता है। एक हो सकता है सर आपको डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन इसी को एडिशन भी बोल सकते हैं आप। एक होता है इन्वर्सन, इन्वर्सन होगा। एक क्या होगा सर आपको ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। देखो ये सब दो जगह आ गया जी, ट्रांसलोकेशन प्लांट फिजियोलॉजी में भी है और एक यहाँ पे भी है। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन का मतलब एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को लेकर के बोला जा रहा है जी, ठीक है। अब डिलीशन जो देखते हैं ये भी दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है सर आपको टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल टर्मिनल डिलीशन। एक क्या देखते हैं हम लोग, एक होता है आपको इंटरस्टिशियल डिलीशन, इंटरस्टिशियल। बस एक बार खाली लैंग्वेज पकड़ लोगे ना, डिफिनेशन नहीं याद करना है, इंटरस्टिशियल डिलीशन। उसी तरह से डुप्लीकेशन भी दो होगा, टर्मिनल और ये इस तरह से। इन्वर्सन भी दो तरह का होता है सर, ये भी दो तरह का हुआ, ये भी आपको दो तरह का। इन्वर्सन क्या होता है, एक होता है पारासेंट्रिक, पारासेंट्रिक, एक होता है पेरीसेंट्रिक होता है, पेरीसेंट्रिक होता है। ट्रांसवर्सन भी दो तरह का होता है, एक होता है सर रेसिप्रोकल होता है ना, एक होता है रेसिप्रोकल। और एक क्या होता है सर आपको सीधे आपको ट्रांसलोकेशन दो तरह का होता है, एक रेसिप्रोकल होता है, एक क्या होता है सर आपको है ना रेसिप्रोकल, एक इंटरस्टिशियल, है ना जी। एक होता है आपको इंटरस्टिशियल, है ना जी। ये इतने तरह का आपको क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है जी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप कोई क्रोमोजोम को देख रहे हो, ऐसे लिख रहे हैं हम क्रोमोजोम, तो हम इसको ऐसे मान लेते, कोई इतराज नहीं ना, एक रॉड जैसा मान लेते हैं क्रोमोजोम को, बीच में सेंटर में लगा लेते हैं इस तरह से। तो मान लेते एक क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम को आप देख रहे हो, एक आइडियली इतना बड़ा होना चाहिए था सर क्रोमोजोम। और इस क्रोमोजोम में क्या देख रहे हैं कि सर किनारे का हिस्सा टूट करके अलग हो गया, मतलब नॉर्मल क्रोमोजोम था और नॉर्मल क्रोमोजोम का एक साइड का हिस्सा अलग हो गया जी। अगला स्टेप का फोटोग्राफ कैसा दिखाई देगा, इस तरह से तुम देख रहे हो किनारे से अलग किए सर, दैट्स व्हाई इसको टर्मिनल डिलीशन के नाम से बुलाएंगे। इसका एग्जाम्पल है जी, लेकिन वो सब पूछता नहीं है, बाद में कभी लिखा देंगे एग्जाम्पल, टर्मिनल डिलीशन का एग्जाम्पल सब क्या है, लेकिन मायने नहीं रखेगा वो, बस लैंग्वेज पकड़ोगी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहे तब टर्मिनल डिलीशन टिक करके आइएगा। मान लीजिए सर एक क्रोमोजोम ये है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जीन है, डीएनए को हम लोग 1 2 3 4 लिख देते हैं, क्रोमोजोम पे डीएनए पाया जाता है ना, या जीन पाया जाता है ना, तो उसको ऐसे लिख दिए। इस तरह से आपको इसको काटे हैं सर कि बीच का 3 निकल गया, यहाँ से 3 जो है ना इसको काट के निकाल दिए, मतलब ऐसा फोटोग्राफ जो देखते हैं, इसमें भी डिलीशन हुआ है, लेकिन इसमें डिलीशन क्या हुआ है, 3 का डिलीशन हुआ है जी, मतलब इसमें 1 2 है, 4 5 और 6, ठीक है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, बीच से गायब है जी, ठीक है। तो ऐसे डिलीशन को क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल डिलीशन के नाम से बुलाते हैं। हो गया ये भी समझा दिए। डुप्लीकेशन, कुछ चीज रिपीट हो गया सर, और आप देख रही हो कि एक क्रोमोजोम ऐसा था, इस क्रोमोजोम में 1 2 3 4 लिखा हुआ था, कुछ समय ऐसा चला कि इसमें सर आपको 1 2 2 बार लिखा गया, 1 2 फिर 1 2, मतलब रिपीट कर गया। तो सच सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डुप्लीकेशन।
किनारे से होगा था टर्मिनल डुप्लीकेशन, बीच से होगा था इंटरस्टिशियल डुप्लीकेशन, ये तो तुम कॉमन सेंस लगाओगी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है, और ये मायने रखता है जी, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। सही है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इन्वर्सन में आ गए हम लोग जी, ठीक है, इन्वर्सन को पढ़ा रहे हैं हम आपको। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चौथा वाला है जी, ठीक है, चौथा वाला सबसे इम्पोर्टेंट होगा, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी की वजह से होने वाले कुछ क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटी, ये सब एप्लीकेशन जैसा कुछ है क्वेश्चन, ये सब थ्योरी है। एक है इन्वर्सन और एक है ट्रांसलोकेशन, क्वेश्चन बना के भी तुरंत भेजोगी जी सदा, क्लास एंड होते ही तुम बना के व्हाट्सएप पे डालोगी कि बना दी हो तुम। हेलो, भेज दियो, अच्छा अभी देखते हैं कितना सही। खौफ खत्म हो गया नहीं? बना लिए, क्या बना ली? डीपीपी वाला क्वेश्चन ना। हाँ हाँ तो डालो ना, हम देखेंगे भी, देखेंगे भी। हाँ एक और बात था, वो था हम कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ हो सकता है। इन्वर्सन जो देखते हैं है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये दो तरह का होता है, एक होता है आपको पारासेंट्रिक, एक होता है पारासेंट्रिक होता है, एक क्या होता है आपको पेरीसेंट्रिक होता है जी, पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक जो नोट्स दिए है ना, उस नोट्स में पैरामेट्रिक लिखा गया है इसके बारे में, पारा में, ये गलत बात है जी, पैरामेट्रिक नहीं होगा, पैरासेंट्रिक ही होगा जी, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये स्पेलिंग अडॉप्ट कीजिएगा। उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं क्या कि अगर आप कोई क्रोमोजोम देखती हो, ठीक है, एक इमेजिनेशन करने के लिए है ना, ये एक देखिएगा, एक तार हम ले रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, देखिए जैसे ये हुआ ना, एक तार हुआ इस तरह से, मान लो इतना दूर के इलाका क्रोमोजोम मान लो, और इस जगह पे है ना हम माला लगा लेते हैं इसका सेंट्रोमियर, मान लीजिए ये सेंट्रोमियर है, ये ढक्कन को आप सेंट्रोमियर मान लीजिए, और ये एक क्रोमोजोम है, आप इस क्रोमोजोम में है ना सर आपको म्यूटेशन होने वाला है, मतलब एरर आने वाला है, एब्रिएशन आने वाला है, इसलिए एब्रिएशन आया क्योंकि 180 डिग्री पे घूम गया है, ये कुछ ज्यादा दिमाग में 180 डिग्री पे घूम गया है, इसका मतलब सर अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम ना एक पट्टी लगा देते हैं इस रेड पे, ब्लैक का आपको लगा देते हैं, तो ये अभी ब्लैक मेरे राइट लेफ्ट साइड में है, ये इधर राइट साइड है जी, तो 180 डिग्री पे घूमेगा तो देखो ये ब्लैक किधर जा रहा है जी, रेड के मतलब राइट साइड में जा रहा है ना जी, ये दिख रहा है फोटोग्राफ, इमेजिनेशन फीलिंग हो रहा है ना जी, इतना दूर के हिस्सा को तुम क्रोमोजोम मान रही हो, क्रोमोजोम 180 डिग्री पे अपने आप को रोटेट कर लिया, क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर क्रोमेटिड है 180 डिग्री पे रोटेट कर लिया, 180 डिग्री पे इस तरह से रोटेट किया है कि सर कि लेफ्ट वाला हिस्सा राइट साइड में आ गया, राइट का हिस्सा है ना लेफ्ट साइड में चला गया जी, ठीक है, और इस तरह का जो आपको जो ये होता है सर, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन्वर्सन के नाम से लाते हैं। देखो दो बार ट्रांसलोकेशन पूछ चुका है, तो मेरा आपको गेस, मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि इन्वर्सन किस हिसाब आप पूछना चाहिए, लेकिन अभी तक इन्वर्सन पे क्वेश्चन नहीं है, इन्वर्सन आउट ऑफ सिलेबस है जी, ठीक है, लेकिन कहीं पूछ दे तो तुम लोग तैयार रहोगी, पहले इन्वर्सन समझो तब इसका टाइप समझना। इन्वर्सन क्या होता है कि क्रोमोजोम का जो आर्म है ना, क्रोमोजोम आर्म जो देखते हैं है ना, रोटेट करता है सर, रोटेट करता है बाय 180 डिग्री से, ये क्या करता है, रोटेट करता है जी, ठीक है, 180 डिग्री आप रोटेट है ना, क्रोमोजोम आर्म्स रोटेट है ना, ये तो था क्रोमोजोम आर्म है ना, रोटेट बाय 180 डिग्री है ना, एंड कट एंड रीज्वाइन करता है, रीज्वाइन द पेरेंट
द पेरेंट है ना, पेरेंट आपको आर्म को, इस घटना को क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इन्वर्सन। इस घटना को क्या नाम देते हैं, इन्वर्सन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये लाइन लिख लीजिएगा, इन्वर्सन, इन्वर्सन में क्रोमोजोम की लंबाई चौड़ाई नहीं घटती है, जितना क्रोमोजोम का लंबाई था चौड़ाई था उतना ही बना रहता है। तुम लोग गौर करोगी तो डुप्लीकेशन में और इसमें डिलीशन में घट बढ़ रहा था, और इसमें हम लोग जो देख रहे थे सर, इसमें कोई लेंथ में चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, नो चेंज इन लेंथ, नो चेंज इन लेंथ, इसमें चेंज इन लेंथ नहीं देखते हैं हम लोग। और इसका फिलिंग के लिए आप देखो, एक मान लो ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे हम लोग क्या देख रहे हैं सर, ये है उसका सेंट्रोमियर है ना, यहाँ पे उसका डीएनए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना जी। हम इसको रोटेट कर रहे हैं जी, अगर हम सिखाए थे लेफ्ट और राइट में जाए, इसको रोटेट करेंगे ऐसे नहीं हो सकता है, ये इस तरह से जा सकता है ना, ऐसे करके ये ऐसे जाएगा है ना, ये एक यहाँ लिखोगी, दो यहाँ लिखोगी, तीन यहाँ लिखेंगे, चार यहाँ लिखेंगे, पांच यहाँ लिखेंगे है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सेंट्रोमियर 6 7 8 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ये कट जाता है सर, ये कटता भी है, कटने के बाद फोटोग्राफ कैसा दिखोगी है ना, जगह नहीं है तो यहाँ पे आ जाते हैं है ना, इस या यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे है, 1 2 लिखे हम, 1 2 बाद कटने के बाद ऐसा फोटोग्राफ हो जाएगा ना जी, ये 5 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा जी। और दूसरा जो देखते हैं हम लोग, इस साइड में 6 7 8 है ना जी, अब इस जुड़ जाता है जी, ठीक है, मतलब ये इसके साथ जुड़ जाता है, लिखे भी थ्योरी में 180 डिग्री पे घूमने के बाद है ना रिज्वाइन करता है, कट करने के बाद फिर से उसी को ज्वाइन करता है, देन आपको लिखा आपको द पेरेंट आर्म को, जिस फिनोमेना को ही क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्सन। ग्रामर भी मतलब इसका डिफिनेशन भी पढ़ के जाओगी, कहीं डिफिनेशन है उठा के पूछ दे है ना, नहीं तो फोटोग्राफ बना के पूछ दे, या कदे रीअरेंजमेंट किए हैं, उल्टा फुल्टा किए हैं 180 डिग्री पे घुमाने के बाद, इसको क्या कहेंगे, इन्वर्सन कहेंगे जी, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, कुछ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। और उसके बाद आप देखिए इसको जोड़ेंगे जी, अब जोड़ेंगे तो कैसा फोटोग्राफ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 1 2 के बाद सीधे 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सेंट्रोमियर आ जाएगा, 6 7 8 आ गया जी, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन्वर्सन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब इन्वर्सन दो तरह का होता है जी, इन्वर्सन जो देखते हैं ये दो तरह का दिखाई देगा, एक होता है सर आपको पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक में क्या होता है कि अगर आप है ना जी इन्वर्सन के दौरान है ना जी सेंट्रोमियर को क्या करते हैं है ना ले लेते हैं जी, ठीक है, इन्वर्सन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो जाए, सही जा रहे जी, इन्वर्सन इन्वॉल्व सेंट्रोमियर, अगर सेंट्रोमियर को भी लपेटे में ले ली हो है ना जी, तो इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, पेरिसेंट्रिक आपको है ना, आपको ये जिसमें सेंट्रोमियर नहीं लिए, छोड़ दिए सेंट्रोमियर को, तो उसको पैरासेंट्रिक के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। नो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व, सेंट्रोमियर का कोई जरूरत नहीं पड़ा इन्वर्सन में, नो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, पैरासेंट्रिक के नाम से लाएंगे। जैसे इस फोटोग्राफ को देखो, इस फोटोग्राफ में हम लोग सेंट्रोमियर को नहीं टच किए हैं, सेंट्रोमियर को टच नहीं किए हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपको है ना जी, पैरासेंट्रिक हो जाएगा जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ जो बनाया हम बोर्ड पे, ये किसका हो जाएगा, पैरासेंट्रिक का हो जाएगा जी, ठीक है, पैरासेंट्रिक। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना, और ये भी एक देख सकते हैं जी आपको, जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो जाए जी। और ज्यादातर जो बच्चा जो पैदा लेता है जी बैंडिंग कार्योटाइपिंग के जरिए, जी बैंडिंग एक साइंटिस्ट के नाम से है, जी बैंडिंग कार्योटाइप में, तो 1% बच्चा जो एरर होता है, इनबॉर्न एरर ड्यू टू द इन्वर्सन, इन्वर्सन की वजह से कुछ बच्चे में है ना कुछ खराबी आ जाता है जी, ठीक है। तो 1% इन्वर्सन होता है सर आपके है ना पॉपुलेशन में जी, ठीक है। पॉपुलेशन है ना जी, पॉपुलेशन कितना शो करता है इन्वर्सन, 1% इनबॉर्न, जन्म लेने के वक्त ही होता है इन्वर्सन, इनबॉर्न एरर लाता है ना ड्यूरिंग ड्यूरिंग जी बैंडिंग कार्योटाइप, जी बैंडिंग कार्योटाइप, जी का फुल फॉर्म देख लेना, लिखाए हैं जी बैंडिंग कार्योटाइप, बताओ तो जी किसी को लिखे हो तो, कार्योटाइप जी बैंडिंग कार्योटाइप देखे तो, पढ़े हैं ना हम लोग, बताइए तो जी का फुल फॉर्म, इसमें नहीं लिखा हुआ है, गेमसा होगा, GEMSA, GEMSA, GEMSA है ना, देखना ये नाम याद रखोगी, इन्वर्सन इसमें देखने को मिलता है जी, ठीक है, हो गया इन्वर्सन खत्म हो गया। जैसल में आप इसका वेट नहीं कर रहे थे, ट्रांसलोकेशन का वेट कर रहे थे जी, ठीक है, हम उसको डील करते हैं, ट्रांसलोकेशन मिटा देना, ये ट्रांसलोकेशन देखते हैं जी, ठीक है जी। तो आपको इसमें हम लोग जो देखते हैं ट्रांसलोकेशन है ना, ट्रांसलोकेशन 2015 में क्वेश्चन पूछे हुआ है, और 2016 में भी क्वेश्चन पूछे हुआ जी, दो दो बार रिपीट हुआ है
है ना, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताएंगे अभी हम आपको, है ना, ट्रांसलोकेशन, है ना, इसको देखते हैं। इस चारों में से ना यही है ना जो काउज करता है आपको ब्लड कैंसर, जो अभी चारों तरह का क्रोमोजोम एरर पड़ी थी ना उसको काउज ब्लड कैंसर, ये आपको ब्लड कैंसर काउज करता है। ब्लड कैंसर में भी कौन सा था, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया काउज करता है जी, ठीक है, ल्यूकेमिया काउज करता है। ल्यूकेमिया का यहाँ पे एक और नाम है एमएच कुछ नाम है, देख लेते भी ल्यूकेमिया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे जी, ठीक है, वो ल्यूकेमिया वाला जो होता है ना उसके लिए जीन कौन सा होता है, जीन बता सकता है जी मेहनत, ल्यूकेमिया के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है ना? लिखे ट्रांसलोकेशन जो है कॉज ब्लड कैंसर, है ना, दैट इज ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया जो है ना जी, ये आपको दो तरह का ल्यूकेमिया कॉज करता है जी, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में दो तरह का ल्यूकेमिया होता है, इसको थोड़ा सा बाद में ही लिखते हैं, इसको बाद में ही लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो तुम लोग हच पच होगा तुम्हें, ठीक है, सदर बाद ही लिखते हैं ल्यूकेमिया के बारे में। एक क्वेश्चन ऐसा है जी मेहनत सुन रहा है, उसका जीन का नाम बताए तो जो ल्यूकेमिया कॉज करता है, जीन दैट कॉज ल्यूकेमिया, दैट कॉज कॉज ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कॉज करने वाला जीन का नाम बताइए तो, नहीं सुना, हेलो थोड़ा साउंड हो जाता है, है ये नहीं, तुम लोग पता था इसका हुडकिन जीन कहते हैं जी, ठीक है, जो ल्यूकेमिया कॉज करता है उसका नाम क्या सर आपको, हुडकिन जीन के नाम से बुलाते हैं, लिख लीजिए, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, कभी जमाने में पूछा जाता था, हुडकिन जीन ये ल्यूकेमिया कॉज करता है जी, ठीक है। ल्यूकेमिया ने ब्लड कैंसर डब्ल्यूबीसी का जरूरत से ज्यादा बन जाना और आपके डब्ल्यूबीसी का जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स लेना है ना जी, इट्स कॉल्ड ब्लड कैंसर, ठीक है। अब आइए ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रांसलोकेशन समझा रहे हैं। एक बार 11th का क्लास याद कीजिए, आप लोग क्रोमोजोम को जब देखती हो तो क्रोमोजोम में सर क्रॉसिंग ओवर होता है सर, होमोलोगस क्रोमोजोम है ये, और ये अपने में होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम अपने अपने में अदला बदली करता है जी, ये अपने अपने में डीएनए का अदला बदली करता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं सर, हम जानते हैं सबके बारे में क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और सर ये इस पर का डीएनए कभी भी इसके साथ अदला बदली नहीं करेगा जी, ठीक है, ये एक बात बताया जा रहा है कि ये लिंक्ड जीन है जी, ठीक है, ये लिंकेज है, इस दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, लिंकेज होगा ना, और आप इस दोनों में अदला बदली करा रहे, चलिए ठीक है, इधर क्रॉसिंग ओवर चलिए मान लेते हैं, पर कभी भी इस केस के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है सर, ठीक है, मतलब ये दोनों पे जो डीएनए होगा वो लिंक्ड होगा, लिंक्ड माने चिपका होगा, नहीं छोड़ेगा सर एक दूसरे का साथ, ठीक है। लेकिन एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें से इस पर का डीएनए कट करके इस पे जाके चिपक गया सर, कट करके अलग हुआ क्रोमोजोम का टुकड़ा, ये पूरा क्रोमोजोम का टुकड़ा इस पे जाके अटक गया सर, मतलब आपको क्रॉसिंग ओवर देख रहे सर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में, या आप नीट का या एनसीईआरटी का लैंग्वेज पकड़ोगी तो ट्रांसफर ऑफ लिंक्ड जीन टू द लिखा आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप, या नॉन आपको लिखा आपको होमोलोगस टाइप, नॉन होमोलोगस को जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है या लिंक्ड डीएनए मिल जाता है, इस सिचुएशन को क्या नाम देते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं जी। देखिए ये डिफिनेशन वैलिड है, ट्रांसलोकेशन का डिफिनेशन लिख रहे हैं ना, ट्रांसफर ऑफ लिंक्ड जीन ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड, इसको क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड लिंक्ड का नाम से बुलाते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इस साल 11th हमसे पढ़ी थी, कोई सेल चैप्टर पढ़ी हो इस साल हमसे, हेलो पढ़ा है कोई इस साल 11th, साक्षी तुम पढ़ी 11th सेल चैप्टर पढ़ी हो हमसे, कुछ बोल ही नहीं रही है, ये हम ही बोल रहे हैं क्या, हम नहीं पढ़े हैं, हाँ तुमको नहीं पूछे, साक्षी से पूछे, कोई नहीं बोल रही, हम बोल दिए, अच्छा ठीक है,
ये सब खाना खाए कि नहीं, कोई है ही नहीं लगता है। सब नाश्ता करने गई है। हैं हैं सब है। अच्छा साक्षी सुनी, अभी तक नहीं सुनी, बताइए सुती हुई। हाँ जान रहे सर, माइटोकॉन्ड्रिया से पढ़े है। माइटोकॉन्ड्रिया से पढ़ी तो क्रोमोजोम पढ़ी है। हाँ पढ़े। तो फिर उतना देर से काहे चुप थी? देखो एक बात था, याद कीजिए है ना, ये हो गया जी, इसको इसको याद कीजिए, इसका नाम क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। ये डिफिनेशन दो बार नीट पूछ चुका है, इसलिए हम यही डिफिनेशन पे आपको फोकस करा रहे हैं जी, ठीक है। हम आपको बताए हुए क्रॉसिंग ओवर होना, डीएनए का अदला बदली होना, लेकिन जब आप नॉन लिंक्ड जीन, मतलब ये आप सर मतलब ये जो लिंक्ड जीन है, इधर का लिंकेज जीन है ना, जो चिपका रहना चाहिए था वो चला गया दूसरे के पास। अब ये देखो रेड वाला अपने में था और एक ब्लैक वाला अपने में था सर, लेकिन सर क्या हुआ कि इसमें का डीएनए कट करके ये जुड़ गया सर आपको किसके साथ, ब्लैक के साथ जुड़ गया। ऑब्वियसली ब्लैक का लेंथ बढ़ जाएगा ना जी, ब्लैक में कुछ एडिशन हो गया ना, ब्लैक में जब कुछ एडिशन होगा है ना, तो इसका आपको इस तरह की घटना को क्या नाम देते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से लाते हैं। और इसमें कुछ डिलीशन हो गया, अब आपको एक याद आना चाहिए है ना, या नहीं जिसको याद आ रहा है, तो एक ऐसा क्रोमोजोम जिसमें क्रोमोजोम में तुम सेंटर में एकदम बीचों बीच देखती हो, याद कीजिए। आप लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का नाम सुने हो ना सब आदमी, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होता है जी, इसमें आप क्या देखते हैं कि क्रोमोजोम का दोनों बाजू सेम सेम होता है जी। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप अभी समझ लो कि ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में दोनों साइड एक जैसा लेंथ का होगा, तो इसको तुम क्या नाम दोगी, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सर एक और क्रोमोजोम हम यहाँ पे बना लेते हैं जो कि अपने में मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम था, बेचारा अपना जिंदगी जी रहा था, पेन कलर चेंज कर देते ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये एक दूसरा क्रोमोजोम है बगल में का, ये हम मान लेते हैं कि क्रोमोजोम नंबर 2 है, ये क्रोमोजोम नंबर क्या है, 1 है। किसी कारणवश मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का एक हिस्सा है ना कट करके ये जुड़ जाता है किसके साथ, इसके साथ जुड़ जाता है जी। मतलब ब्लैक में किसका एडिशन हो जाता है, रेड का एडिशन हो जाता है जी, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस घटना को क्या नाम देते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से जाते हैं। कोई लड़की चाहे कि दूसरा डिफिनेशन निकालना तो नहीं निकाल सकती है, इस सम फ्रेगमेंट ऑफ मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है ना आपको डिटैच फ्रॉम द पैरेंट क्रोमोजोम एंड रिज्वाइन विद द अदर क्रोमोजोम, दूसरे क्रोमोजोम के साथ जाके चिपक जाती है जी, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग अब इस केस पे तुम लोग याद करो, अरे समझ में आ रहा जी, कोई पढ़ी हो ना थोड़ा बहुत ही सब मेटासेंट्रिक सब, मेरे कि हम छोड़ दे इस लाइन को, जो फीलिंग हो रहा है वही है ना जी। ये इसका नाम है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, इसका नाम हो गया सर कुछ बड़ा हो गया कुछ छोटा हो गया, देखोगे इसमें एक छोटा साइज हो गया एक बड़ा साइज हो गया। जब बड़ा साइज हो गया ऐसा क्रोमोजोम जिसमें एक आर्म छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए, इसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम के नाम सुनाते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। लेकिन साक्षी बता दो इसका एक और नाम है जी, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का ही एक और नाम है, बता दो तो समझ में समझ जाएंगे। हेलो एल सेब, एल सेब, हाँ कौन बोला है, हम बोले, हाँ तो चुप रहो, हाँ तुम्हारा गलत है, हाँ एल सेब, हाँ सही है, दिमाग लगा के बोलिए, बहुत अच्छा, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करो। चलो जी बोलो जल्दी, ये भगवान सब पढ़ती ही नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग फेले, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फिलाडेल्फिया फेनोमेना कहते हैं, फिलाडेल्फिया फेनोमेना, बहुत बार पढ़ा है, उस दिन हम जानबूझ के स्पेलिंग को प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे थे कि फिलाडेल्फिया के फिलाडेल्फिया कुछ कुछ बोल रहे थे है ना, फिलाडेल्फिया फेनोमेना, फिलाडेल्फिया फेनोमेना के नाम से ला, इतना क्यों जाना, इतना हार्ड हो गया नहीं जी, लेकिन ये सब पूछा हुआ मेडिकल में, तब क्या करोगी नहीं जी, मेडिकल में पूछे हुआ है ना, 2019 का क्वेश्चन था, उसमें पी और क्यू आर्म करके पूछा था। इसी को आप अगला लेवल का चेंज यही होगा कि फिलाडेल्फिया फिनोमेना क्या होता है, जिसमें एक क्रोमोजोम बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, इसीलिए क्योंकि ट्रांसलोकेशन हो रहा है जी, ठीक है। फिलाडेल्फिया फिनोमेना आप देखो लड़की का सर एक्सट्रैक्ट कीजिए, क्या बता रहा है आप हमको, इस फिलाडेल्फिया जानती हो ना, वो अमेरिका में एक जगह है फिलाडेल्फिया, वही यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट सब मिलकर सब नाम दिया है। फिलाडेल्फिया फिनोमेना क्या है कि सर ड्यूरिंग आपको ड्यू टू ट्रांसलोकेशन क्रोमोजोम आर्म है ना जी, आपको क्रोमोजोम लेंथ है ना, क्रोमोजोम आर्म लेंथ अनइक्वल हो जाता है, क्रोमोजोम आर्म लेंथ क्या देखते हैं, अनइक्वल देखते हैं सर, आर्म लेंथ अनइक्वल देखते हैं, कोई दिक्कत सर है ना, हाँ भयानक दिक्कत है जी, जिसमें फिलाडेल्फिया फेनोमेना होगा ना उसको क्या काउज करेगा, काउज
ब्लड कैंसर, इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर जी। लग रहा है दिमाग, अब इसको ठंडा रखो, अब इसको कल देखते हैं, अब इसमें बहुत बता दिए, चलो हैंग कर गए होंगे या हम खुद हैंग कर रहे हैं, है ना। इसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं जी, ठीक है। ट्रांसलोकेशन पे बात करना है जी, ठीक है, थोड़ा सा इसको कल देखते हैं। ट्रांसलोकेशन असल में बात कर ली है, लेकिन थोड़ा सा इजी ले से चलना चाहिए था हमको, थोड़ा सा देखेंगे कल सब मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम सब के बारे में एक बार देख देंगे, ठीक है। इसके बाद सेल पर हैं कि इसके बाद कोई और चैप्टर सर्कल के क्लास का लिंक भेज दीजिएगा। सब सब अपलोड कर दिया, अच्छा भेज देंगे। कौन सा क्लास का लिंक चाहिए? बायो मॉलिक्यूल का? हेलो, किसका? जेनेटिक्स का। अच्छा ठीक है, डाल दिए, सब अपलोडेड है ना, सब पर ये बनाए हुए, ठीक है। नहीं बता पा रहे अच्छे से, तुम लोग का कुछ रिप्लाई ही नहीं आ रहा है इस पर, कल देखते हैं इसका, ठीक है बहुत कुछ, नहीं तो है स्पष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है इस पे जी, फिलाडेल्फिया फिनोमेना क्रोमोजोम नंबर 22, अब क्या होगा कल देखते हैं।